आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस के साथ। रेजिडेंशियल स्टेटस होता क्या है? देखिए बड़े सिंपल वर्ड्स में, असेसी की कौन सी इनकम टैक्सेबल है और कौन सी इनकम टैक्सेबल नहीं है वो पता लगता है उसके रेजिडेंशियल स्टेटस से। लेट अस टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल। सपोज कोई इंडिया का पर्सन है, सपोज आपके चंदन सर ही है। अब हम लोग सपोज यूएई में अपनी एक ब्रांच खोल लेते हैं और वहाँ पर हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उससे हमें ट्यूशन इनकम होती है। तो क्या उस ट्यूशन इनकम पर जो कि यूएई ब्रांच से हो रही है हमें इंडिया के अंदर क्या उस पर इनकम टैक्स देना पड़ेगा? तो आंसर इज येस, क्योंकि आपके जो चंदन सर हैं वो रेजिडेंट हैं इंडिया में। लेकिन दूसरा एग्जाम्पल मैं देता हूं आपको। सपोज मिस्टर ए हैं जो कि यूएई में ही रहते हैं पिछले 30 सालों से और यूएई में एक ट्यूशन सेंटर खोलते हैं और वहां बच्चों को वो टीच कर रहे हैं और उस टीचिंग से उनको इनकम हो रही है। तो मिस्टर ए जो कि यूएई में 30 साल से रह रहे हैं, वहाँ ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, उससे उन्हें इनकम हो रही है, क्या उन्हें उस इनकम पर इंडिया में इनकम टैक्स देना पड़ेगा? तो आप कहेंगे ऑब्वियसली सर उनको इनकम टैक्स नहीं देना होगा क्योंकि मिस्टर ए यूएई में रहते हैं। यस और नो? मिस्टर ए इंडिया के लिए नॉन रेजिडेंट है, इनका जो स्टेटस है वो नॉन रेजिडेंट का है, जबकि आपके चंदन सर का जो स्टेटस है वो क्या है? रेजिडेंट का। तो अभी मैंने बड़े सिंपल एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करी कि बेसिकली है क्या ये। इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द टैक्स लायबिलिटी ऑफ ए पर्सन वी मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ द पर्सन्स रेजिडेंशियल स्टेटस ड्यूरिंग रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर में उसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या था। अब इसके लिए हम रेजिडेंशियल स्टेटस की कैटेगरीज डिवाइड करते हैं, इंडिविजुअल HUF और अदर पर्सन। अदर में आपका पार्टनरशिप फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, कंपनी आते हैं। जो अदर पर्सन है लाइक पार्टनरशिप फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, कंपनी, इसके तो दो कैटेगरीज हैं, वन इज रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट। लेकिन जो आपके इंडिविजुअल या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है उस केस में आपकी तीन कैटेगरीज होती हैं। फर्स्ट इज रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, सेकेंड इज रेजिडेंट तो है बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, और थर्ड होता है नॉन रेजिडेंट। अब ये क्या है, इससे क्या फर्क पड़ता है, कब कौन सा पर्सन रेजिडेंट कहलाएगा, कब रेजिडेंट बट नॉट रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहलाएगा, कब नॉन रेजिडेंट कहलाएगा, वही हमें इस चैप्टर में पूरा का पूरा बड़ा डिटेल में और अच्छे से पढ़ना है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल, हम सबसे पहले इंडिविजुअल की बात करेंगे, फिर HUF की, फिर फर्म, कंपनी, सब पे आएंगे। देखिए बहुत सिंपल है, सेक्शन 6 इनकम टैक्स एक्ट का जो है आपको दो बेसिक कंडीशंस प्रोवाइड करता है और अगर उसमें से कोई भी एक बेसिक कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो वो व्यक्ति हिंदुस्तान में रेजिडेंट कहलाएगा। वो क्या है बड़े ध्यान से देखिएगा। पहली कंडीशन है स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 182 डेज या उससे ज्यादा। अगर प्रीवियस ईयर के अंदर असेसी हिंदुस्तान में 182 दिन या उससे ज्यादा रहा है तो उसको रेजिडेंट बोल दिया जाएगा। बट अगर 182 दिन से कम रहा है तो उस केस के अंदर हमें देखना है सेकंड कंडीशन। अगर फर्स्ट कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, सेकंड कंडीशन फुलफिल हो रही है, तब भी हम उसको रेजिडेंट बोल देंगे। सेकंड कंडीशन क्या है देखिए, और लिखा हुआ है, मतलब या तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए ए या बी। सेकंड कंडीशन है स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर फॉर 60 डेज और मोर, पिछले साल प्रीवियस ईयर में वो 60 दिन या उससे ज्यादा रहा हो, प्लस का मतलब एंड, मतलब ये दोनों चीजें इसमें फुलफिल होनी चाहिए। सेकंड बी कंडीशन जो है इन दोनों को मिला के है, स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग 4 प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर is greater than equal to 365 days, preceding the previous year, मतलब previous year को छोड़ के जो पिछले 4 साल में उसमें 365 दिन या उससे ज़्यादा। अब ये क्या है सर, बड़े ध्यान से एक example से मैं आपको समझा रहा हूँ, समझना। रिकी पॉन्टिंग
नाम सुना है आपने इनका? नहीं सुना? चलिए आपको मैं बता दूं, ऑस्ट्रेलिया के बहुत अच्छे क्रिकेटर रहे हैं। रिकी पोंटिंग, आपको ये इन्फॉर्मेशन गिवन है कि वो लास्ट 10 ईयर्स हिंदुस्तान में रहे फॉर 100 डेज। हर साल वो हिंदुस्तान में 100-100 दिनों के लिए पिछले 10 सालों से रह रहे हैं, बस 100 दिन, उसके बाद वो अपने देश ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं। तो उनका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है? आपने पहली कंडीशन देखी, स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 182 डेज या मोर। बड़े ध्यान से एक एक चीज देखना। आप सपोज प्रीवियस ईयर 18-19 की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो पहली कंडीशन के हिसाब से 182 दिन या उससे ज्यादा होना चाहिए, जो कि यहां पर नहीं दिख रहा। फर्स्ट कंडीशन इज नॉट फुलफिल्ड, क्योंकि वो सिर्फ 100 डेज रहे हैं। यस और नो? फिर उससे प्रीवियस ईयर जो है आपका आता है 2017-18, मैंने 18-19 एज्यूम किया है ये प्रीवियस ईयर। यहां पे भी वो 100 दिन रहे, क्योंकि बोला ना लास्ट 10 ईयर्स वो 100-100 दिन रहे। फिर 2016-17 इस प्रीवियस ईयर में भी वो 100 दिन रहे। ये क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन है, मैं कुछ नहीं कर रहा भैया। 2015-16 प्रीवियस ईयर, इसमें भी 100 दिन रहे। फिर यहाँ पर 2014-15 प्रीवियस ईयर, इसमें भी 100 दिन रहे, एंड सो ऑन, पिछले 10 सालों तक वो रहे। अब मेरी काम की इंफॉर्मेशन आ गई, मैं उसको बताता हूँ। फर्स्ट कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही इसमें। स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 60 डेज और मोर, ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है। क्या आपको 18-19 का रेजिडेंशियल स्टेटस जो है उनका बताना है, ठीक है? तो क्या है कि प्रीवियस ईयर में 60 दिन, प्रीवियस ईयर ही 18-19 को ही हम बोलते हैं टेक्स में, भाई इतना तो आपको याद है, पता है। तो 18-19 में वो 100 दिन रहे, विच इज ऑब्वियसली मोर देन 60 डेज। ये सुनो, तो ये कंडीशन फुलफिल हो गई। फिर बोला स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग 4 ईयर्स प्रिसीडिंग द प्रीवियस ईयर, प्रिसीडिंग द प्रीवियस ईयर। बड़े ध्यान से इस चीज को देखो, उसने वर्ड जो यूज किया है, यहां से प्रीवियस ईयर लिखा था, यहां लिखा प्रिसीडिंग द प्रीवियस ईयर, मतलब प्रीवियस ईयर से पहले के जो 4 साल है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? पक्का? श्योर? वेरी गुड। तो इससे छोड़ के पहले के 4 साल, तो ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3, और ये आपका 4। ये जो आप देख रहे हैं एरिया, दिस रिप्रेजेंट्स 4 ईयर्स प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर, 4 ईयर्स प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर को छोड़ के। अब इसमें वो कितने दिन रहे, आप देखो 100 + 100 = 100, 400 डेज। यस और नो? 400 दिन के लिए रहे। यहां क्या लिखा है, स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग 4 ईयर्स प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर 365 दिन या उससे ज्यादा, तो ये तो 400 दिन रहे, विच इज ग्रेटर देन 365 डेज। यस और नो? तो ये कंडीशन भी फुलफिल हो रही है, एज वेल एज ये कंडीशन भी फुलफिल हो रही है। तो यहां पर हम बोलेंगे कि रिकी पोंटिंग जी बधाई हो, आप जो है कौन है यहाँ पे, रेजिडेंट है। क्यों? क्योंकि आप बेसिक कंडीशन जो है उसको फुलफिल कर रहे हैं। समझ में आ गई बात? शो, तो या तो फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो जाए, और फर्स्ट नहीं हो रही तो सेकेंड, सेकेंड में 2 बातें हैं, दोनों फुलफिल होनी चाहिए। अब फटाफट यहां तक एक बार रिवाइज करिए। चलिए आगे बात करते हैं बच्चों। अभी आपने बेसिक कंडीशन जो है मेरे साथ डिस्कस करी फॉर रेजिडेंट, तो या तो कंडीशन नंबर ए या कंडीशन नंबर बी, कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो हमने उसको बोल दिया कि वो असेसी जो है रेजिडेंट है। इसके दूसरे मायने क्या निकलते हैं? अगर कोई पर्सन ना कंडीशन ए फुलफिल कर पाता है और ना ही कंडीशन बी फुलफिल कर पाता है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? हम उसको बोलेंगे कि भैया आप रेजिडेंट नहीं हैं, दूसरे शब्दों के अंदर आप नॉन रेजिडेंट हैं। देखिए ये बात आपके नोट्स में लिखी हुई है, बड़े ध्यान से देखिएगा। सेकेंड पॉइंट, व्हेन इंडिविजुअल डज नॉट सेटिस्फाई any of the basic conditions specified under this, he becomes non-resident. आगे क्या लिखा हुआ है अभी उस पर ध्यान नहीं देना, यहां तक आपको समझ में आता है? शो, चलिए अब बड़े ध्यान से देखिएगा। देखिए कायदे से इनकम टैक्स के अंदर
जो ये वर्ड हैं अपने आप में बड़े क्लियर हैं, लेकिन अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 कुछ एडिशनल कंडीशंस गिवन हैं। अगर कोई इंडिविजुअल इन एडिशनल कंडीशंस को फुलफिल करता है तो उसको नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट कह दिया जाता है। मतलब सर, बड़े ध्यान से देखिए, रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है वो तो डिपेंड करता है बेसिक कंडीशन पे, लेकिन हो सकता है कि जो रेजिडेंट है वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, और उसके लिए उन्होंने क्या बोला कि अगर ईदर ऑफ द फॉलोइंग एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ऐसे रेजिडेंट को हम बोलेंगे कि वो नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट है। इसको सिंपल करने के लिए हमने इस तरीके से बोला कि रेजिडेंट दो तरीके के होते हैं, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट और ऑर्डिनरी रेजिडेंट। बड़े ध्यान से देखिएगा, हमने इसे सिंपल करने के लिए दो कैटेगरी में बांट दी कि रेजिडेंट दो तरह के हो सकते हैं, ऑर्डिनरी और नॉन ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी, दो ये वर्ड इनकम टैक्स एक्ट कहीं पर भी यूज नहीं करता है, इनकम टैक्स एक्ट में ऑर्डिनरी रेजिडेंट वर्ड नहीं है, इनकम टैक्स के अंदर से वर्ड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट ही यूज किया गया है, लेकिन फॉर द सिंप्लिसिटी आप देखेंगे सब जगह ऑर्डिनरी रेजिडेंट यूज किया जाता है। तो रेजिडेंट ईदर इट ही विल बी नॉट ऑर्डिनरी और ऑर्डिनरी। तो कैसे पता लगेगा रेजिडेंट है, वो तो पता लग गया, अब रेजिडेंट वो नॉट ऑर्डिनरी है या ऑर्डिनरी है। तो नॉट ऑर्डिनरी के लिए उन्होंने बोला कि अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो हम उसको बोलेंगे क्या कि वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। समझ में आई बात? और अगर दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई इसका मतलब कि वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं, ध्यान से देखिए। सबसे पहले ये एडिशनल कंडीशंस क्या हैं। पहली कंडीशन, या तो वो व्यक्ति नॉन रेजिडेंट होना चाहिए इन इंडिया इन 9 out of 10 ईयर्स प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर, मतलब प्रीवियस ईयर को छोड़ के, प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर, उससे पिछले जो 10 प्रीवियस ईयर्स हैं उसके अंदर, इसको ठीक कर लीजिएगा प्लीज, नॉन रेजिडेंट इन इंडिया इन 9 out of 10 प्रीवियस ईयर्स प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर, मतलब आपका जो प्रीवियस ईयर चल रहा है उस प्रीवियस ईयर को छोड़ के जो पिछले 10 प्रीवियस ईयर्स हैं उसमें वो 9 times जो है नॉन रेजिडेंट होना चाहिए। और वो नॉन रेजिडेंट कब होगा, अभी हमने देखा, जब वो बेसिक कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं करेगा तो हम उसको बोलेंगे कि वो नॉन रेजिडेंट है। और अगर वो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है तो सेकंड कंडीशन है, स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग 7 years प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर शुड बी लेस देन और इक्वल टू 729 days, 729 दिन या उससे कम का स्टे होना चाहिए। देखिए एग्जाम में हम प्रैक्टिकली फर्स्ट कंडीशन चेक नहीं कर पाते, चेक करने के लिए हमारे पास सेकंड कंडीशन ही आती है। जैसे मैं आपको रिक्की पॉन्टिंग वाला एग्जाम्पल देता हूँ, रिक्की पॉन्टिंग हमारे प्रीवियस ईयर 2018-19 तक एवरी ईयर इंडिया में एवरी प्रीवियस ईयर 100 days रहे, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था जिसमें आपने देखा था कि वो हिंदुस्तान के रेजिडेंट डिक्लेयर हो गए क्योंकि उन्होंने कंडीशन बी सेटिस्फाई कर दी थी। अब ध्यान से देखिए, हम कौन से प्रीवियस ईयर में हैं की बात कर रहे हैं, 18-19 की, यस और नो, इसकी बात कर रहे हैं। स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग 7 years प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर, मतलब इससे, इस प्रीवियस ईयर को छोड़ के पिछले 7, मतलब 12, 13, 2, 3, 4, 5, 6 और इससे पहले 11, 12, ठीक है। अब देखिए, बड़े ध्यान से रिलैक्स हो जाइए, वो हर साल 100-100 दिन रहे, यस और नो। अब अगर आप ध्यान से देखें उनका जो टोटल स्टे है, उनका जो टोटल स्टे है इन दिनों में
स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग 7 ईयर्स प्रिसीडिंग द प्रीवियस ईयर, इस प्रीवियस ईयर को छोड़ के, क्योंकि हम 18-19 प्रीवियस ईयर की बात कर रहे हैं। कितने दिनों का है? 700 दिनों का है, यस और नो? और 700 दिन जो होते हैं आपको भी पता है कि इट इज लेस देन 729 डेज, यस और नो? तो यहां पर ही इज सेटिस्फाइंग वन ऑफ द एडिशनल कंडीशन, द कंडीशन नंबर बी, दैट इज हिज स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग 7 ईयर्स प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर इज लेस देन और इक्वल टू 729 डेज। तो इन दिस केस रिकी पॉन्टिंग इज सेटिस्फाइंग बोथ द कंडीशन, वन ऑफ द बेसिक कंडीशन एंड वन ऑफ द एडिशनल कंडीशन। सो इन दिस केस ही इज रेजिडेंट प्लस नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट। क्यों? क्योंकि उनका स्टे पिछले 7 प्रीवियस ईयर्स में, इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर, 729 दिन से कम है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? पक्का, श्योर, क्लियर है? इस एग्जाम्पल को आप एक बार पहले नोट करिए फास्ट। चलिए अब उसी एग्जाम्पल को हम दूसरे एंगल से देखते हैं कि सपोज हमारे रिक्की भाई साहब प्रीवियस ईयर 18-19 तक एवरी ईयर हिंदुस्तान में 150 दिनों के लिए रहते थे। बड़े ध्यान से देखना, ठीक है? तो वो रेजिडेंट तो कहलाएंगे, ये तो इसमें तो कोई शक ही नहीं है, आप चेक कर सकते हैं, वो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। अब मैं आपको दूसरे एंगल से दिखाता हूँ। ये हो गया आपका 18-19 प्रीवियस ईयर जिसकी हम बात कर रहे हैं, फिर यहाँ पे आते हैं हम 11-12, फिर आपका 12-13, फिर 13-14, फिर आपका 14-15, फिर आपका 15-16, 16-17, 17-18, ठीक है? हर साल वो 150-150 दिन जो है आपका रहे, यस और नो? बड़े ध्यान से चीज़ों को समझिएगा जो आपको बता रहा हूँ। टोटल आप देखिए कितने दिन रहे, 1050 डेज, यस और नो? 1050 दिन जो है वो हिंदुस्तान में रहे, जो कि 729 दिन से ज़्यादा है। मतलब इस केस में ही इज नॉट सेटिस्फाइंग एडिशनल कंडीशन, वो एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहे, यस और नो? देखो यहाँ पे क्या है, नॉन रेजिडेंट इन इंडिया इन 9 out of 10 ईयर्स प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर, ये तो हो ही नहीं सकती क्योंकि ही इज अ रेजिडेंट और वो हर साल 150 दिन रह रहे हैं, तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो ही नहीं सकती कि वो नॉन रेजिडेंट रहो 9 bar out of 10 ईयर्स प्रीवियस ईयर्स प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर, ये तो हो ही नहीं सकती क्योंकि ही इज रेजिडेंट। और ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं हो रही, मतलब वो एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहे। अब अगर वो एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं तो उस केस में हम उन्हें नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं बोलेंगे, उस केस में हम उन्हें बोलेंगे कि वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट। समझ में आई बात? तो ये एक बड़ा सिंपल सा फंडामेंटल है। रेजिडेंट के लिए आपको बेसिक कंडीशन सेटिस देखनी है और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए आपको एडिशनल कंडीशन देखनी है। अगर एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो हम उनको बोल देंगे कि ही इज ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ध्यान से देखिए, If individual satisfy one of the basic condition and does not satisfy any of the additional condition, then individual shall be resident and ordinary resident. When individual does not satisfy any of the basic condition, he becomes non-resident. उस केस में आपको कोई additional condition देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि non-resident का कोई further bifurcation नहीं होता, वो अपने आप में एक category है। समझ में आई बात? Sure. If an individual satisfy one basic condition and one additional condition, then he becomes resident but not ordinary resident. अगर वो एक basic condition और एक additional condition satisfy कर रहे हैं तो वो resident but not ordinary resident की category में आ जाते हैं, ठीक है? एक बार यहाँ तक पूरा अच्छे से एकदम पढ़ लीजिए। और ये 3 एग्जाम्पल मैंने आपको दिए, एक रेजिडेंट के टाइम पे, एक नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए, 2 एग्जाम्पल दिए। एग्जाम्पल बड़े अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि यही जितना आपने पढ़ा है ये आपका 50% चैप्टर है। आइए स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस के अंदर आई आपकी अमेंडमेंट्स को जो आई हैं फाइनेंस एक्ट 2020 से। बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं और इनके ऊपर आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा, चाहे वो एमसीक्यू फॉर्म में हो या फुल फ्लेज क्वेश्चन हो। तो देखिए, बेसिक कंडीशंस आपने पढ़ी थी रेजिडेंशियल स्टेटस में सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 में कि अगर कोई इंडिविजुअल किसी प्रीवियस ईयर में 182 डेज या उससे ज़्यादा रहता है तो रेजिडेंट कहलाएगा।
साथ ही साथ सेकंड बेसिक कंडीशन पढ़ी थी आपने कि अगर प्रीवियस ईयर में 60 डेज रहता है और प्रीसीडिंग दी फोर इमीडिएट प्रीवियस ईयर्स में 365 डेज और मोर रहता है तो आप उसे रेजिडेंट मानते थे। यहाँ पर आपकी नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट के अंदर गवर्नमेंट ने दो कंडीशंस को और ऐड कर दिया है, मतलब अगर कंडीशन सी या कंडीशन डी कोई भी एक कंडीशन फुलफिल होती है तो इंडिविजुअल जो है वो रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट कहलाएगा। तो क्या है वो कंडीशन, आइए एक बार रीड करते हैं। देखिए, अगर कोई इंडियन सिटीजन, सिटीजन ऑफ इंडिया या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिनल जिसकी इंडियन इनकम, देखिए लॉ में वर्ड इंडियन इनकम नहीं है, लॉ में क्या लिखा हुआ है वर्ड अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज, तो फॉरेन सोर्स किसके अलावा की इनकम यानी कि इंडियन इनकम एक्सीड करती है 15 लाख से ज्यादा ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर और वो इंडिया आता है विजिट के लिए ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर एंड ही हैज बीन इन इंडिया फॉर अ पीरियड और पीरियड अमाउंटिंग इन ऑल 120 डेज और मोर बट लेस देन 182 डेज, मतलब अगर कोई इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जिसकी अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज 15 लाख से ज्यादा है और वो अगर 120 दिन इंडिया में स्टे करता है तो उसे आप रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट ट्रीट करेंगे। ठीक है, इसी के साथ देखिए एक कंडीशन और क्या ऐड कर दी गई, अ सिटीजन ऑफ इंडिया हु इज डीम्ड टू बी रेजिडेंट इन इंडिया अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1A। देखिए ये नया सेक्शन इंसर्ट किया गया है फाइनेंस एक्ट 2020 के द्वारा। इसी के साथ देखिए बेसिक कंडीशन में एक चेंज और लाया गया है कि अगर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन या इंडियन सिटीजन जिसकी इंडियन इनकम 15 लाख से एक्सीड करती है उस केस में आप इस 60 डेज को 120 डेज कंसिडर करेंगे। आइए देखते हैं किस तरीके से, ये देखिए द पीरियड ऑफ 60 डेज इज सब्स्टिट्यूटेड बाय 120 डेज इन केस एन इंडिविजुअल बीइंग एन इंडियन सिटीजन और अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु बीइंग आउटसाइड इंडिया कम्स ऑन विजिट टू इंडिया इन द प्रीवियस ईयर हैविंग टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज एक्सीडिंग 15 लाख ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो उस केस में आप इस 60 डेज को 120 डेज कंसिडर करेंगे टू चेक द बेसिक कंडीशन। देखिए बार बार यहां पे वर्ड आ रहा है इनकम अदर देन फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज, तो इसका मतलब क्या है, देखिए लॉ ने डिफाइन किया है इसको, इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज मींस इनकम व्हिच एक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया एंड व्हिच इज नॉट डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया, लेकिन ऐसी इनकम एक्सेप्ट इनकम डिराइव्ड फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल्ड इन और प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया उसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा, मतलब ऐसी इनकम जो इंडिया में एक्रू और अराइज नहीं हो रही है ना ही डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया है, लेकिन अगर किसी ऐसे बिजनेस से एक्रू या अराइज हो रही है जो कि इंडिया से कंट्रोल किया जा रहा है या किसी ऐसे प्रोफेशन से जिसका सेटअप इंडिया में है तो उसको आप फॉरेन इनकम ट्रीट नहीं करेंगे। नेक्स्ट अमेंडमेंट की ओर चलते हैं जहां पर हम देखेंगे नया सेक्शन जो इंसर्ट किया गया है फाइनेंस एक्ट 2020 से सेक्शन 6 सबसेक्शन 1A। तो देखिए सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 से गवर्नमेंट बताना चाह रही है कि किन लोगों को डीम्ड रेजिडेंट माना जाएगा इंडिया में। पहली कंडीशन, अगर व्यक्ति सिटीजन ऑफ इंडिया है और उसकी टोटल इनकम अदर देन फॉरेन इनकम यानी कि इंडियन इनकम 15 लाख से एक्सीड करती है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर और साथ ही साथ वो किसी भी कंट्री में टैक्स पे करने के लिए लायबल नहीं है। ऐसा कहां होता है, देखिए कई ऐसी कंट्रीज है जहां पर टैक्स रेट निल होता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं लूँ यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, ये जो कंट्रीज है यहां पर इन पर टैक्स रेट निल होता है, तो ऐसा व्यक्ति जो इंडिया का सिटीजन है जिसकी इंडियन इनकम या मैं कहूँ इनकम अदर देन फॉरेन इनकम 15 लाख से ज्यादा है प्रीवियस ईयर में और ऐसी कंट्री में रहता है जहां पर उनको टैक्स नहीं देना पड़ता वो व्यक्ति डीम्ड रेजिडेंट माने जाएंगे। देखिए इन सभी अमेंडमेंट से गवर्नमेंट अपना टैक्स का दायरा बढ़ाना चाहती है सो दैट वो टैक्स कलेक्ट कर सके। ये वर्डिंग से लॉ की देखिए जो यहां पर लिखी गई है, आइए एक बार रीड कर लेते हैं। एन इंडिविजुअल बीइंग एन इंडियन सिटीजन हैविंग टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज मीन इंडियन इनकम दैट इज इनकम विच एक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया एक्सेप्ट इनकम फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल्ड फ्रॉम और प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया एंड विच इज नॉट डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया एक्सीडिंग रुपीज 15 लाख, मतलब इंडियन इनकम देखिए अगर 15 लाख से एक्सीड कर जाती है
ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो उस एसएससी को डीम टू बी रेजिडेंट इन इंडिया माना जाएगा इफ दैट एसएससी इज नॉट लायबल टू पे टैक्स इन एनी अदर कंट्री और टेरिटरी बाय रीजन ऑफ हिज डोमिसाइल और रेजिडेंस और एनी अदर क्राइटेरिया ऑफ सिमिलर नेचर। मतलब ऐसी कंट्री में रहते हैं जहां पर उनको टैक्स पे नहीं करना पड़ रहा है और उनकी इंडियन इनकम 15 लाख से ज्यादा है, इंडियन सिटीजन है, तो उसको हम डीम्ड रेजिडेंट मानेंगे। ये है आपकी अमेंडमेंट्स रेजिडेंशियल स्टेटस चैप्टर के अंदर, तो इनको प्लीज नोट कर लीजिए और रिवाइज कीजिए। एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिल सकता है, तो इन सभी कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कीजिए। थैंक यू सो मच। चलिए बच्चों आगे बात करते हैं। जब आप बात करते हैं स्टे इन इंडिया की, तो स्टे इन इंडिया इंक्लूड स्टे इन द टेरिटोरियल वाटर्स, जो समुद्री सीमाएं हैं भारत की। समुद्री सीमाएं क्या हैं? 12 नॉटिकल माइल्स तक हिंदुस्तान की समुद्री सीमा है। तो अगर उसमें भी व्यक्ति है तो उसे बोला जाएगा कि वो इंडिया में ही है। इंक्लूड स्टे इन द टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया दैट इज 12 नॉटिकल माइल्स इनटू द सी फ्रॉम द इंडियन कोस्ट लाइन। अच्छा, इसके बाद बड़े ध्यान से सुनिएगा, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि स्टे कंटिन्यूस हो, कि ये 182 डेज या 60 डेज कंटिन्यूस हो सकता है। कोई व्यक्ति अप्रैल में आया 5 दिन के लिए, फिर मई में आया 10 दिन के लिए, तो स्टे कंटिन्यूस हो ये जरूरी नहीं है। हमें देखते हैं ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एग्रीगेट बेसिस पे, टोटल बेसिस पे वो कितने डेज रहा, एंड एट यूजुअल प्लेस ऑफ रेजिडेंस। मतलब हो सकता है रिक्की पॉन्टिंग जी अप्रैल में आए 5 दिनों के लिए, वो कोलकाता में रहे, फिर मई में आए 10 दिन के लिए, वो दिल्ली में रहे, तो इंडिया में वो कहीं पर भी रह सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जो उनका प्लेस ऑफ रेजिडेंस है वहीं रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। द ओनली कंडीशन इज 182 दिन या 60 दिन जो भी हैं वो डेज होने चाहिए, वो कंटिन्यूस हो ये बिल्कुल जरूरी नहीं है, और रेजिडेंस पे ही हो ये भी बिल्कुल जरूरी नहीं है, हिंदुस्तान में किसी भी प्लेस पे हो सकते हैं। द डे ऑफ अराइवल एज वेल एज डिपार्चर आर इंक्लूडेड वाइल कंप्यूटिंग द नंबर ऑफ डेज ऑफ स्टे इन इंडिया। जिस दिन आप हिंदुस्तान में आए हैं और जिस दिन हिंदुस्तान छोड़ के जा रहे हैं, वो दोनों दिन इंक्लूड किए जाते हैं। और कैसे? सपोज आप हिंदुस्तान में आए, आपकी फ्लाइट शाम को 5 बजे लैंड हुई, तो उस केस में आप शाम की 5 बजे आपकी फ्लाइट जो है आपकी लैंड हुई, 5 बजे से लेके 12 बजे तक कितना टाइम होता है बताओ? 7 आवर्स होते हैं, तो माना जाएगा उस दिन आप 7 घंटे हिंदुस्तान में रहे। फिर जिस दिन आप हिंदुस्तान से गए, डिपार्चर हुआ आपका, ठीक है, उस दिन आपकी जो फ्लाइट थी वो थी मॉर्निंग में 6 AM की, ठीक है, 6 AM की आपकी फ्लाइट थी। तो उस दिन आप हिंदुस्तान में कितनी देर के लिए रहे? उस दिन आप रहे 6 घंटे के लिए, ठीक है। तो 7 और 6 कितना हो गया? 13 आवर्स हो गया। यस और नो? भाई जब आप आए 5 बजे की फ्लाइट थी, आप 7 घंटे के लिए रहे रात के 12 बजे तक, जिस दिन डिपार्चर था सुबह 6 बजे ही आप चले गए, तो भाई रात के 12 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक आप 6 घंटे के लिए सिर्फ हिंदुस्तान में रहे, तो टोटल 7 और 6 कितने हो गए? 13 घंटे। ऐसे ही अगली बार आप आए तो सुबह 5 बजे आए, सॉरी शाम को 5 बजे आए और सुबह 6 बजे की फ्लाइट से चले गए, तो फिर कितने हुए? 13 घंटे। ये कितने हो गए? 26 आवर्स हो गए। अब इसमें से 24 आवर्स का वन डे बन जाता है, यस और नो? तो अराइवल और डिपार्चर में आपको आवर्स के बेसिस पे कैलकुलेशन करनी है, और जहां 24 आवर्स हो जाएंगे उसको वन डे के इक्विवेलेंट मान लिया जाएगा। इवन द टोटल नंबर ऑफ आवर्स फॉर विच एन इंडिविजुअल स्टेड इन इंडिया शेल बी कैलकुलेटेड एंड टोटल ऑफ 24 आवर्स शेल बी कंसिडर्ड एज वन डे। जैसे 13 घंटे यहाँ हो गए, अगली बार आए फिर 13 घंटे हो गए, तो 26 घंटे हो गए, तो उस केस में 26 घंटे में से आप 24 घंटे को एक दिन के इक्वल मान लेंगे। इसके बाद कई बार इस पे क्वेश्चन आ जाता है, पर्सन कैन बी रेजिडेंट इन इंडिया इवन इफ ही इज नॉट इंडियन सिटीजन। वो इंडियन सिटीजन नहीं है, हिंदुस्तान में नहीं जन्मा है, हिंदुस्तान की सिटीजनशिप नहीं भी है, तब भी वो रेजिडेंट हो सकता है। रेजिडेंट के लिए उसको ये कंडीशंस फुलफिल बस करनी है। और अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, अब ये कौन होता है सर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन? देखिए, अ पर्सन इज डीम्ड टू बी अ इंडियन ओरिजिन, उसे इंडियन ओरिजिन का मान लिया जाता है इफ ही और ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स और एनी ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स, या तो वो खुद या उसके माता पिताजी या उसके ग्रैंड पेरेंट्स फॉर बॉर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया। अगर वो अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न हुए थे, दैट इज बिफोर इट्स पार्टीशन। अनडिवाइडेड इंडिया की जब हम बात करते हैं तो उसमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश तीनों आते हैं।
मतलब सपोज मिस्टर ए है, वो यूके में जन्म हुआ, उनके पिताजी हैं मिस्टर डबल ए, उनका जन्म हुआ यूएसए में, मिस्टर ए के पिताजी हैं मिस्टर ट्रिपल ए, उनका जन्म हुआ था पाकिस्तान में 1938 में, ठीक है। तो मिस्टर ट्रिपल ए अनडिवाइडेड इंडिया के अंदर बॉर्न हुए थे, इस वजह से मिस्टर ए जो है वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन बन जाते हैं, क्योंकि उनके ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं वो अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न हुए थे। कई बार आ जाता है आइडेंटिफाई करने के लिए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है या नहीं, और हमें मेन चीज ध्यान रखनी है कि अगर व्यक्ति इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन नहीं है तब भी वो हिंदुस्तान का रेजिडेंट बन सकता है। समझ में आई बात? श्योर। तो ये आपने देखा कि कब कोई व्यक्ति रेजिडेंट बनता है, कब रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, और कब नॉन रेजिडेंट, और किस बातों का हमें ध्यान रखना है इन केस ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। इसको फटाफट एक बार सारा का सारा रीड कर लीजिए। चलिए अब बात करते हैं एक्सेप्शंस की। एक्सेप्शन क्या है? देखिए, इन सर्टेन केसेस द कंडीशन नंबर बी विल नॉट बी एप्लीकेबल, मतलब सिर्फ आपको कंडीशन ए ही देखनी है और अगर वो सेटिस्फाई हो रही है तो ही रेजिडेंट माना जाएगा, अगर कंडीशन ए सेटिस्फाई नहीं हो रही तो आपको कंडीशन बी नहीं देखनी। बेसिक कंडीशन बी इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ इंडिविजुअल। अब वो कौन से हैं? इफ ही लीव्स इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, अगर किसी प्रीवियस ईयर में कोई इंडियन पर्सन इंडिया छोड़ के जा रहा है एम्प्लॉयमेंट के मकसद से, नौकरी के मकसद से, तो फिर कंडीशन ए ही देखी जाएगी, मतलब उसको तभी रेजिडेंट बोला जाएगा जब वो 182 दिन या उससे ज्यादा हिंदुस्तान में रहता है। इफ ही लीव्स इंडिया एज ए मेंबर ऑफ क्रू ऑफ एन इंडियन शिप, इंडियन शिप जो क्रूज पे जाते हैं बेसिकली लंबा वक्त होता है, 90-90 दिनों के टूर होते हैं इनके, कई बार 6-6 महीने के भी होते हैं, तो एज ए मेंबर अगर आप उसके गए हो तो भी कंडीशन भी एप्लीकेबल नहीं है, फिर 182 डेज वाली कंडीशन ही देखी जाएगी। लेकिन इसमें वाइल कंप्यूटिंग स्टे इन इंडिया द डेट ऑफ ज्वाइनिंग द शिप एंड साइनिंग ऑफ फ्रॉम द शिप मेंशन ऑन द कॉन्टिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इज टू बी एक्सक्लूडेड, मतलब हो सकता है कि आप शिप पे आपने आज ज्वाइन किया लेकिन आपका जो शिप है वो 3 दिन बाद जाएगा। भाई कोई शिप को ये तो है नहीं फ्लाइट की तरह छोटे से मोटा 150 लोग जा रहे हैं, एक प्रॉपर उसमें अरेंजमेंट करना पड़ता है, सारी इंफॉर्मेशन शेयर करनी पड़ती है, तो हो सकता है आपने शिप आज ज्वाइन किया लेकिन उस 2 से 3 दिन बाद, हो सकता है 1 वीक बाद जो है वहां से डिपार्ट करेगा। तो जो डेज हैं जिस दिन आपने ज्वाइन किया एंड साइनिंग ऑफ फ्रॉम द शिप मेंशन ऑन द कॉन्टिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, वो डेज चाहे आप इंडिया में थे बट आप शिप में थे, ठीक है, तो वो डेज एक्सक्लूड किए जाएंगे। वैसे लाइन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट फॉर रेफरेंस बता दी। बीइंग अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, अगर कोई पर्सन इंडियन ओरिजिन का है जिसमें मैंने अभी आपको मिस्टर ए का एग्जाम्पल दिया था, वो बीइंग आउटसाइड इंडिया, रहते वो आउटसाइड इंडिया लेकिन वो विजिट के लिए इंडिया पे आते हैं, चाहे घूमने के लिए आए या किसी भी मकसद से आए। देखिए होता है जनरली पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो होते हैं ना उनका हिंदुस्तान से बड़ा लगाव होता है, तो उनको एक रिलैक्सेशन दी गई कि कंडीशन बी आप पे एप्लीकेबल नहीं करेंगे, आप पे कंडीशन ए ही एप्लीकेबल है, मतलब आपको तभी रेजिडेंट मानेंगे जब आप 182 दिन या उससे ज्यादा पिछले साल हिंदुस्तान में रहे। इनकेस अबव मेंशन इंडिविजुअल ओनली कंडीशन बेसिक कंडीशन ए इज एप्लीकेबल, दैट इज कंडीशन ऑफ 182 डेज। समझ में ही बात? तो ये ध्यान रखना, कई बार होता है सब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मिस्टर मोदी लीव्स द इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस, और आगे जो क्वेश्चन होता है उसमें ये जस्टिफिकेशन होती है कि कंडीशन भी फुलफिल हो रही है, ए फुलफिल नहीं हो रही, तो आप लिखाते हैं कि वो रेजिडेंट है, जबकि अगर वो एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए जा रहा है तो कंडीशन भी एप्लीकेबल ही नहीं है, हमें कंडीशन ए ही देखनी है। समझ में ही बात? फटाफट इसे करिए। चलिए बात करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। बहुत ही सिंपल, सेक्शन 6 सबसेक्शन 2। आपको ये देखना है कि जो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का वो सिचुएटेड कहाँ है, उसकी कहाँ से HUF का जो बिजनेस है वो कंट्रोल और मैनेज किया जाता है। इफ इट इज इन इंडिया, वेदर इट इज होली और पार्टली, तो हम उस HUF को रेजिडेंट इन इंडिया कहेंगे, बट अगर इट इज सिचुएटेड होली आउटसाइड इंडिया तो हम उसे नॉन रेजिडेंट इन इंडिया कहेंगे। एग्जाम में आपको बड़ी क्लियर इंफॉर्मेशन देता है, इतना आपको उस पर दिमाग नहीं लगाना पड़ता। वैसे कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज सेट टू बी सिचुएटेड एट ए प्लेस
कहाँ पे माना जाता है, वेयर द हेड एंड ब्रेन ऑफ द एडवेंचर इज सिचुएटेड, मतलब जहाँ से मेन डिसीजंस बिजनेस के लिए जाते हैं, मतलब कहीं ना कहीं जहाँ करता है, क्योंकि HUF में मेन हेड जो होता है वो करता होता है, तो कहीं ना कहीं करता की जो लोकेशन, दैट हेल्प इन डिसाइडिंग इन प्रैक्टिकल लाइफ, इन एग्जामिनेशन इट विल बी वेरी मच क्लियर. Control and management means central control and management and not day-to-day business carried on by employees or agent. कि central control कहाँ पर है, कहाँ से day-to-day decisions लिए जाते हैं. समझ में आई बात? A resident HUF becomes not ordinary resident if कर्ता या उसका कोई manager satisfy one or both of the additional conditions जो कि हम already discuss कर चुके हैं. देखिए हमने वहाँ देखा था starting में कि individual और HUF जो है, इंडिविजुअल और HUF ये तीन कैटेगरी में होते हैं. तो रेजिडेंट कब है HUF वो हमने यहाँ देख लिया. आपको देखना है कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का है, दैट्स इट, ये वर्ड याद रखो. अगर वो हिंदुस्तान में है, चाहे होली है चाहे पार्टली है, तो हम उसे रेजिडेंट कहेंगे. होली आउटसाइड इंडिया तो हम नॉन रेजिडेंट कहेंगे. ठीक है, ये कंट्रोल एंड मैनेजमेंट की फर्दर बाइफर्केशन मैंने आपको बता दी. नॉट ऑर्डनरी भी हो सकता है कब, जब वो एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई करे, लेकिन वो HUF नहीं करेगी. कौन करेगा, उसका कर्ता या मैनेजर. ठीक है, मेनली हम करता देखते हैं. क्लियर? श्योर, फटाफट इसको नोट करिए. चलिए बात करते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ अदर पर्सन. बड़े ध्यान से देखिएगा, इसको हम ब्रॉडली दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. वन इज पार्टनरशिप फर्म, AOP, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल या उसके अलावा कोई भी लोकल अथॉरिटी. सेकेंड इज कंपनी. आपको पार्टनरशिप फर्म AOP के केस में देखना है कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर कहाँ है. अगर होली और पार्टली इन इंडिया है तो रेजिडेंट, और होली आउटसाइड इंडिया है तो नॉन रेजिडेंट. तो इस तो सर एकदम HUF जैसा ही है. जी हाँ, आप कह सकते हैं कि HUF जैसा ही है, वहाँ पे भी कंट्रोल एंड मैनेजमेंट यूज हुआ था, यहाँ भी कंट्रोल एंड मैनेजमेंट है. तो ओनली डिफरेंस इज यहाँ पे नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट नाम की कोई चीज़ नहीं होती जो HUF में होती है. ठीक है, यहाँ पे सिर्फ आपको रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट देखना है. कंपनी के केस में आपको देखना है प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट. प्लीज बी केयरफुल, बच्चे गलती करके आ जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट. वो लिखाते हैं कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, नहीं, कंपनी के केस में यू हैव टू यूज द वर्ड प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट. इसका मतलब क्या होता है, वेयर की मैनेजमेंट एंड कमर्शियल डिसीजन आर मेड, मतलब कंपनी की जो टॉप मैनेजमेंट है उसकी सिचुएशन, उसकी लोकेशन, जो कंपनी के CEO है या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, वो बेसिकली कहाँ है, की मैनेजमेंट कमर्शियल डिसीजंस कहाँ से लिए जाते हैं. अगर वो इंडिया में है तो रेजिडेंट है, अगर आउटसाइड इंडिया है तो नॉन रेजिडेंट है. समझ में आई बात? इंडियन कंपनी जो है वो हमेशा रेजिडेंट इन इंडिया होगी, चाहे उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट आउटसाइड इंडिया ही क्यों ना हो. ये बात ध्यान रखिएगा, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद द वर्ड प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट एंड कंट्रोल एंड मैनेजमेंट. इन केस ऑफ कंपनी यू हैव टू यूज प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, इन अदर केस यू कैन यूज द वर्ड कंट्रोल एंड मैनेजमेंट. प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट मीन्स की मैनेजमेंट कमर्शियल डिसीजन जहां से लिए जाते हैं. कंट्रोल एंड मैनेजमेंट मीन्स वेयर द हेड एंड ब्रेन ऑफ द एडवेंचर ऑफ द बिजनेस इज सिचुएटेड. इट बेसिकली इंक्लूड्स सेंट्रल कंट्रोल, नॉट डे टू डे बिजनेस कैरिड ऑन बाय एम्प्लॉयज एंड एजेंट्स. ठीक है, देखिए ऑलरेडी एकदम टू द पॉइंट है, इससे ज़्यादा कंसाइज मत करिएगा, नहीं तो नंबर आपके कंसाइज हो जाएंगे. ठीक है, तो आपने यहाँ तक देखा कि कैसे हमें डिफरेंट कैटेगरी के असेसीज का रेजिडेंशियल स्टेटस जो है वो हमें निकालना है, चाहे इंडिविजुअल की बात हो, HUF की, पार्टनरशिप, AOP, BOI, कंपनी या एनी अदर. आइए बच्चों नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं. इस टॉपिक में हमें ये समझना है कि जो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, या रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, या नॉन रेजिडेंट है, उनकी कौन सी इनकम पर टैक्स लगेगा. तो देखिए बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है तो उसकी सारी ही इनकम टैक्सेबल होती है. अब कौन कौन सी इनकम होती है, फॉर एग्जाम्पल एनी इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, कोई भी इनकम अगर इंडिया में रिसीव हो रही है तो उस पर रेजिडेंट बट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट, तीनों को ही उस पर टैक्स देना है अगर कोई भी इनकम दे आर रिसीविंग इन इंडिया. समझ में आई बात? लेट अस टेक अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल. मुझे किसी इंडियन ऑर्गेनाइजेशन ने हायर किया और ये बोला कि सर आपको नेपाल और भूटान जाना है और वहाँ 15 डेज स्टे करना है और कुछ आपको लेक्चर्स देने हैं और उसके बाद आपको पेमेंट इंडिया में ही मिल जाएगी.
तो यहाँ पर इनकम मुझे रिसीव हो रही है इंडिया के अंदर, दो मैं अपनी सर्विसेज जो है इंडिया से बाहर प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो इस केस के अंदर चाहे कोई भी हो, रेजिडेंट, ऑर्डिनरी रेजिडेंट या रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट, तीनों के लिए ये इनकम टैक्सेबल होती है। नेक्स्ट है इनकम डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया मतलब मान लिया जाएगा कि इंडिया में रिसीव हुई है, ये भी तीनों केसेस के अंदर टैक्सेबल होती है। कौन सी इनकम है जिसको माना जाता है डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, तो सेक्शन 7 में कुछ केसेस स्पेसिफाई हैं, बड़े ध्यान से देखिए। सबसे पहले एनुअल एक्रीशन इन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इन एक्सेस ऑफ 12% ऑफ सैलरी। आप याद करो सैलरी हेड के अंदर रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में जब हम आरपीएफ के ट्रीटमेंट देखते थे और उसमें हमने देखा था कि अगर एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन 12% ऑफ सैलरी से ज्यादा है तो उसे एम्प्लॉय की सैलरी मान लिया जाएगा। याद आ रहा है आपको? यस और नो? क्यों मान लिया जाएगा उसे, उसकी सैलरी का पार्ट? क्योंकि उसे सेक्शन 7 कहता है इट इज इनकम डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया एंड इट इज टैक्सेबल इन ऑल द केसेस, चाहे कोई भी रेजिडेंशियल स्टेटस हो। सेम वे उसी में आपने पढ़ा था कि इंटरेस्ट अगर आरपीएफ में क्रेडिट किया जाता है इन एक्सेस ऑफ 9.5% पर एनम से ज्यादा तो उसे भी इंप्लॉय की सैलरी मान लिया जाएगा। याद आ रहा है आपको? क्यों मान लिया जाएगा? बिकॉज इट इज इनकम डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। सिमिलरली ट्रांसफर्ड बैलेंस फ्रॉम यूआरपीएफ टू आरपीएफ टू द एक्सटेंट ऑफ एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट देयर ऑन। अगर यूआरपीएफ से आरपीएफ में बैलेंस ट्रांसफर किया गया तो जितना भी एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन है और उस पर इंटरेस्ट है दैट विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज इनकम डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया एंड हेंस इट इज टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरीज। कुछ भी नया नहीं है, सारी चीजें आप ऑलरेडी सारे हेड्स में पढ़ चुके हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्ट्रीब्यूशन और एनी अदर एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू अ पेंशन स्कीम सेक्शन 80 CCD जब आप पढ़ेंगे तो वहां एक पेंशन स्कीम नोटिफाइड है। उस पेंशन स्कीम में कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट या एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन करता है तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज इनकम डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ऑल इनकम फ्रॉम अनडिस्क्लोज सोर्सेज, जितने भी अनडिस्क्लोज सोर्सेज हैं लाइक कैश, क्रेडिट, अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट्स। ये क्या होता है? जब रेड पड़ती है तो उस केस के अंदर घर पे जो भी कैश मिलता है जिसकी आप एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए या कुछ इन्वेस्टमेंट्स के कागज मिलते हैं जिसकी आप एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहे हो तो उसे बोला जाता है ऑल इनकम फ्रॉम अनडिस्क्लोज सोर्सेज और इसको आपकी इनकम मान लिया जाता है और ये अदर सोर्सेज हेड में आपकी टैक्सेबल होती है। फिर TDS इन द हैंड्स ऑफ पे। आप याद करो आपको एक चीज हमने देखी थी अदर सोर्सेज में कि सपोज आपको 1,00,000 रुपए की लॉटरी इनकम हुई जो आपको 70,000 नेट मिले आफ्टर TDS, ठीक है? तो आप क्या करते हैं 70,000 अगर आपको नेट मिले डिवाइडेड बाय 70 × 100 करके 1,00,000 पूरा जो है ग्रॉस अमाउंट अपनी इनकम दिखाते हैं ना कि नेट अमाउंट। 30,000 रुपये आपका TDS कट गया उसके बावजूद आपको 70 मिले लेकिन आप अपनी इनकम पूरी 1,00,000 रुपए दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं? क्योंकि जो TDS आपका कटा है इन द हैंड्स ऑफ पे वो जो है इनकम डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया माना जाता है। एज वेल एज पूरे इनकम टैक्स एक्ट में जहां जहां आपने डीम्ड प्रॉफिट पढ़े हैं स्पेशली सेक्शन 41 अगर आपको याद हो PGBP का जहां बैड डेट्स रिकवर्ड की हमने बात की थी तो जो भी डीम्ड प्रॉफिट है वो सारे के सारे इनकम डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया मानी जाती है। हेंस इट इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट। समझ में आई बात? श्योर। तो ये आपको पता होनी चाहिए इनकम डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया कौन कौन सी है। सारी इनकम्स आपने कहीं ना कहीं देखी हुई है इसलिए आपको चैप्टर बड़ा आसान सा लगता है लेकिन आपको पता होना चाहिए कौन सी इनकम इनकम डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया की कैटेगरी में आती है। समझ में आई बात? सेम वे इनकम एक्रूइंग और अराइजिंग इन इंडिया, आपकी कोई भी इनकम इंडिया की वजह से अराइज हुई तो दैट विल बी टैक्सेबल इन इंडिया। इनकम डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया वेदर रिसीव्ड इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, कहाँ रिसीव हुई है इससे मतलब नहीं है। अगर डीम टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया है तो भी वो तीनों के केस में टैक्सेबल होगी। अब डीम टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया उसे कब मान लिया जाएगा, बड़े ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सिंपल। इनकम एक्रूइंग और अराइजिंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू एनी बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया, किसी भी बिजनेस कनेक्शन की वजह से अगर इंडिया से कोई इनकम अराइज हो रही है या किसी प्रॉपर्टी की वजह से, एनी सोर्स ऑफ
इनकम इन इंडिया या ट्रांसफर ऑफ कैपिटल सिचुएटेड इन इंडिया की वजह से, तो उसे डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया मान लिया जाएगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल देखता हूँ, हमारे रिक्की पॉन्टिंग जी ऑस्ट्रेलिया के अंदर रहते हैं, ठीक है। अब इंडिया के अंदर उन्होंने 4 फ्लैट ले रखे हैं और उस पर उन्हें रेंटल इनकम मिलती है। ये रेंटल इनकम रिक्की पॉन्टिंग जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं, इंडिया में नॉन रेजिडेंट है, क्या स्टेटस है उनका, नॉन रेजिडेंट का एज्यूम। तो ये जो 4 फ्लैट हैं इस पर उन्हें रेंटल इनकम मिल रही है इंडिया के अंदर, ये प्रॉपर्टी इन इंडिया की वजह से है तो उसके उनके लिए टैक्सेबल मानी जाएगी, बिकॉज इट इज कवर्ड बाय इनकम डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया। समझ में आई बात। सपोज कल दिन वो 4 फ्लैट बेच देते हैं, उस पर उन्हें कैपिटल गेन होता है, तो ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट सिचुएटेड इन इंडिया, तो उस पर भी जो इनकम होगी वो क्या मानी जाएगी, डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया। इसके बाद है एनी बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। बिजनेस कनेक्शन जो है एक लेटेस्ट अमेंडमेंट है जिसको डिफाइन किया गया है, इसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे पूरा का पूरा, ठीक है। आगे बात करते हैं, पहले इनकम अंडर हेड सैलरीज इफ इट इज अर्नड इन इंडिया। सपोज कोई व्यक्ति कनाडा में है, यूएसए में है, वहां का रेजिडेंट है, इंडिया में नॉन रेजिडेंट है, बट वो इंडिया में सर्विस देता है अपनी 2 महीने 4 महीने के लिए और उसके लिए उसे सैलरी मिलती है, तो माना जाएगा कि उसने सर्विस दी है, रेंडर करी है इंडिया के अंदर और उसे इंडिया में भी टैक्स देना पड़ेगा। तो सर उसे 2 जगह टैक्स देना पड़ेगा, अमेरिका में भी टैक्स देना पड़ेगा और इंडिया में भी। जी हाँ, देखो अगर वो हिंदुस्तान में आया, 3 महीने उसने यहाँ पर सर्विस दी अपनी कंपनी को, ठीक है, और उसकी वजह से उसे सैलरी मिली, तो ऑब्वियसली उसके लिए वो इनकम अंडर हेड सैलरी इंडिया में माना जाएगा, उसे इंडिया में टैक्स जो है देना पड़ेगा। इनकम अंडर हेड सैलरी पेबल बाय अ गवर्नमेंट टू अ सिटीजन ऑफ इंडिया फॉर सर्विसेज रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया। देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी बहुत सारे ऑफिशियल्स इंडिया से बाहर अपॉइंटेड हैं जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है सैलरी देती है, तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसको सैलरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही है फॉर सर्विसेज रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया, दैट विल बी टैक्सेबल इनकम अंडर द हेड सैलरी। समझ में ही बात। डिविडेंड पेड बाय एन इंडियन कंपनी आउटसाइड इंडिया, अगर कोई इंडियन कंपनी अपने फॉरेन शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे रही है तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया। समझ में ही बात। इसके बाद इंटरेस्ट रॉयल्टी फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज पेबल बाय द गवर्नमेंट। बड़े ध्यान से देखिए, कोई भी इंटरेस्ट या कोई भी रॉयल्टी पेमेंट या फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज गवर्नमेंट पे करती है, किसी को भी पे करे, चाहे इंडियन रेजिडेंट को या इंडिया से बाहर किसी को पे करे, दैट विल बी कंसिडर्ड एज इनकम डीम टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया। कोई रेजिडेंट पे करता है एक्सेप्ट वेयर अमाउंट और राइट और सर्विसेज आर यूज्ड आउटसाइड इंडिया। मतलब बड़े ध्यान से समझना, सपोज टाटा मोटर्स ने अपना एक प्लांट लगाया यूएसए के अंदर, प्रोडक्शन प्लांट लगाया, बड़े ध्यान से समझिएगा ये बात, टाटा मोटर्स जो कि एक इंडियन कंपनी है, रेजिडेंट है, उसने एक प्रोडक्शन प्लांट लगाया यूएसए में और उसने अपने यूएसए के प्रोडक्शन प्लांट में जो प्रोडक्शन होनी है उससे रिलेटेड कुछ फीस पे करी फॉर टेक्निकल सर्विसेज, ठीक है। अब आप खुद सोचो, वो फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज यूएसए प्रोडक्शन प्लांट के लिए टाटा मोटर्स ने पे करी जो कि इंडिया के अंदर है, और ये जो फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज पे करी ये भी कोई वहीं यूएसए की लोकल कंपनी है उसको पे करी, ठीक है। अब आप खुद सोचो, टाटा मोटर्स जो कि एक इंडियन कंपनी है वो यूएसए में प्रोडक्शन प्लांट लगा रही है और यूएसए की लोकल कंपनी को फीस दे रही है फॉर टेक्निकल सर्विसेज, और हम उस यूएसए की लोकल कंपनी को बोले कि बेटा तुझे इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा क्योंकि आपको जो इनकम हुई है वो एक ऐसी कंपनी से हुई है जो कि इंडिया में रजिस्टर्ड है, इंडिया की रेजिडेंट है, तो क्या ये यूएसए की लोकल कंपनी मानेगी? द आंसर इज नो। तो इसीलिए उन्होंने बोला अगर रेजिडेंट पर्सन इंटरेस्ट रॉयल्टी फीस फॉर टेक्निकल सर्विस दे रहा है तो वो इनकम डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया तो है, एक्सेप्ट वेयर अमाउंट
सर्विसेज आर यूज आउटसाइड इंडिया, जैसे टाटा मोटर्स ने वो फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज यू जो पे करी, दैट इज पेड फॉर द सर्विसेज आउटसाइड इंडिया, इसलिए उसको इनकम डीम टू बी अक्रू अराइज इन इंडिया नहीं माना जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पे जनरली आपका जो है क्वेश्चन फंसता है, आप देखेंगे पास्ट एग्जाम में उठा के। आप बस इतना ध्यान रखना, अगर कोई रेजिडेंट कोई भी इंटरेस्ट रॉयल्टी फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज दे रहा है, बट वो अमाउंट पे कर रहा है फॉर सर्विसेज दैट आर यूज्ड आउटसाइड इंडिया, तो उसे इनकम डीम टू बी अक्रू अराइज इन इंडिया नहीं माना जाएगा। समझ में आई बात? नॉन रेजिडेंट है कोई, वो इंटरेस्ट वैलिडिटी फीस फॉर टेक्निकल सर्विस पे कर रहा है, वेयर द अमाउंट राइट और सर्विसेज आर यूज्ड इन इंडिया। मतलब सपोज आपकी कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट ने बड़े ध्यान से देखना, यूके के बैंक से, माइक्रोसॉफ्ट ने यूके के बैंक से लोन लिया, ठीक है, और वो लोन उन्होंने यूज किया इंडिया में। माइक्रोसॉफ्ट ने यूके के बैंक से लोन लिया और उस लोन के अमाउंट को कहां यूज किया गया? इंडिया के अंदर किसी प्रोडक्शन फैसिलिटी के अंदर, ठीक है। अब इस पे माइक्रोसॉफ्ट जो भी इंटरेस्ट पे करेगा यूके बैंक को, फॉर यूके बैंक इट विल बी कंसिडर्ड एज इनकम डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया। क्यों? लॉ पढ़ो ध्यान से, एक नॉन रेजिडेंट है माइक्रोसॉफ्ट, नॉन रेजिडेंट पर्सन, वेयर द अमाउंट राइट और सर्विसेज आर यूज्ड इन इंडिया, वो जो अमाउंट है लोन का जिसपे आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, वो अमाउंट यूज कहां हुआ? वो इंडिया में यूज हुआ, तो उस पर यूके बैंक को जो भी इंटरेस्ट मिलेगा दैट विल बी कंसिडर्ड एज इनकम डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। तो ये आप अच्छे से पहले प्रिपेयर करिए कि इनकम डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया क्या है और इनकम डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया क्या है, क्योंकि मेन चीज यही है। बाकी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम रेजिडेंशियल स्टेटस को कंक्लूड करते हैं।